आज मैं आपको रसमलाई बनाने सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रसमलाई बनाने सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस करें। स्वागत है आपका मेरे चैनल ले सोल जाइका में। अब हम रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। स्टेप वन, पहले हम 1 लीटर स्कीम्ड मिल्क लेंगे, 2 से 3 नींबू के जूस। हम इक्वल क्वांटिटी में नींबू के जूस और पानी का एक सोल्यूशन बनाएंगे। जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाए तब गैस का फ्लेम ऑफ करें और 2 मिनट वेट करें। फिर हमने जो लेमन जूस और पानी का सोल्यूशन बनाया था उसे दूध में धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि दूध से छेना अलग हो रहा है। छेने को हम एक मलमल के कपड़े में छान लेंगे। और फिर उसे अच्छे से वॉश करेंगे ताकि उससे सारे लेमन का फ्लेवर निकल जाए और छेना अच्छे से ठंडा भी हो जाए। फिर हम छेने से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। फिर हम एक पतीला लेंगे, उसमें लगभग 750 ml हम पानी डालेंगे और लगभग 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। अब हमने जो छेना बनाया है उसे हम लगभग 2 मिनट ग्राइंड करेंगे जब तक कि वो एक सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। ग्राइंड किए हुए छेने को अब हम छोटे छोटे पोर्शंस में लेंगे और उसके हम स्मूथ बॉल्स बनाएंगे और फिर उसे बीच में प्रेस करके एक पेड़े के शेप में डाल देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया है, आप भी वैसे ही करें। जितने देर में आप छेने से उसके पेड़े बनाएंगे आप देखेंगे कि चाशनी भी उबलने लगी है। बनाए गए छेने के पेड़े को अब हम एक एक करके चाशनी में डालेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट बाद आप देखेंगे कि छेने के बनाए हुए पेड़े चाशनी में अच्छे से बॉईल होके अच्छे से फूल गए हैं। आप इस प्रोसेस को और अच्छे से देखने के लिए मेरे बनाए हुए रसगुल्ले के वीडियो को देख लें। स्टेप 3, अब हम रसमलाई की मलाई बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए लगभग 1 लीटर स्कीम्ड मिल्क, 1/4 कप मिल्क पाउडर। दूध को हम पहले बॉईल होने देंगे और फिर उसे धीरे धीरे करके गाढ़ा करेंगे। दूध जब क्वांटिटी में हाफ हो जाए तब हम उसमें से लगभग 1/2 कप दूध लेंगे और उसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से दूध अच्छी गाढ़ी हो जाएगी और उसमें हल्की मिठास भी आ जाएगी। मैं इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं करूंगी। आप चाहें तो आप 1 से 2 चम्मच चीनी इस पॉइंट पे ही ऐड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करने के 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि दूध अच्छी गाढ़ी हो गई है। फिर हम उसमें लगभग 2 से 3 इलायची हल्का क्रश करके डाल देंगे। जब दूध हल्के थिन कंसिस्टेंसी में हो तब हम बनाए हुए रसगुल्ले को चाशनी से निकाल के गाढ़े किए हुए दूध में ऐड कर देंगे। जब हम दूध में एक एक करके सारे रसगुल्ले डाल देंगे तब हम लगभग 10 मिनट रसगुल्लों को दूध में बॉईल होने देंगे ताकि रसगुल्ले दूध को अच्छे से सोक कर ले।
लगभग 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि रसमलाई अच्छी गाढ़ी हो गई है। तब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और रसमलाई के ठंडे होने तक का वेट करें। रसमलाई की मलाई ज़्यादा गाढ़ी मत करिएगा क्योंकि ठंडे होने के बाद वो और गाढ़ी हो जाएगी। लगभग एक घंटे बाद यह रसमलाई जब ठंडी हो जाए तब आप देखेंगे कि रसमलाई की मलाई बहुत अच्छी गाढ़ी हो गई है। रसमलाई बनके तैयार है, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।